ऑक्सीजन जब किसी दूसरे मैटर से अनबाउंड होता है यानी अलग होता है तो जिंदगी के लिए जहरीला हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन रिडक्टिव लाइफ बॉडी को तबाह कर देता है। लिहाजा पहला फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म था एनएरोबिक माइक्रोब। एनएरोबिक माइक्रोब अगरचे फोटोसिंथेटिक था लेकिन ये ऑक्सीजन पैदा नहीं कर सकता था। जिंदगी ने ताहम ऑक्सीजन से फायदा उठाते हुए अपना रास्ता बनाना शुरू कर लिया था। जमीन पर जिंदगी की इब्तदा ने ऑक्सीजन को एक एडिशनल एनर्जी के वैल्यूएबल सोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया। इस डेवलपमेंट के नतीजे में साइनोबैक्टीरिया की अफजाइश हुई। इन नए तखलीक होने वाले साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन तैयार की जिसने समंदर में आयरन की मकदार को कम करना शुरू कर दिया। फिर भी वो समंदर आज के समंदर से 5 गुना ज्यादा सैलन था। जैसे जैसे जमीन अंदर से ठंडी होना शुरू हुई, अपर मेंटल के प्राइमोर्डियल क्रस्ट के पुराने स्लैब लोअर मेंटल में गिरते चले गए। इसी दौरान कई मेंटल प्लूम्स जमीन के निचले मेंटल से ऊपर के मेंटल की जानब चढ़ते गए। इस फिनोमिना को मेंटल ओवरटर्न के नाम से जाना जाता है। इन मेंटल प्लूम्स ने बेसाल्टिक क्रस्ट को ऊपर की तरफ धकेलते हुए एक लैंड मैस जनरेट किया। इसने एक शैलो मेराइन का इन्वायरमेंट बना दिया। यहाँ सूरज की रोशनी ऑलरेडी वाफिर मौजूद थी। इस माहौल में जमीन पर अब पहली बार साइनोबैक्टीरिया को फलने फूलने का मौका मिला। फिर इन साइनोबैक्टीरिया के जरिए तैयार करदा ऑक्सीजन ने आहिस्ता आहिस्ता जमीन के माहौल को तब्दील कर दिया। समंदर के नीचे समुद्री फ्लोर पर फेरक और फेरस आयरन एक दूसरे के साथ जमा होकर मिलकर हेमाटाइट और मैग्नेटाइट की शक्ल इख्तियार कर रहे थे, जिससे आयरन की बड़े पैमाने पर तश्कील हुई। 2.5 बिलियन साल पहले तक बैंडेड आयरन की तश्कील कुछ किलोमीटर मोटी तह की शक्ल में हो चुकी थी। आयरन की मकदार पानी में से तेजी से कम होने लगी, जिसने समंदर के रंग को एक नीले रंग में तब्दील कर दिया था। जिंदगी जो अब वजूद में आ चुकी थी, ये जमीन की सतह के माहौल को तब्दील करने लगी। ये हमारी जमीन और इस पर पैदा होने वाली नई जिंदगी का पहला को एवोल्यूशन था, जो एक साथ चला और आज तक जारी है और तरक्की कर रहा है। ये मौजूदा तहजीब की तरफ हमारी जमीन के तवील सफर पर जिंदगी का एक अहम कदम था। मिल्की वे और करीबी डॉर्फ गैलेक्सी के माबैन तसादुम ने बेशुमार चमकते हुए सितारे पैदा किए। कुछ हजार सालों में इनमें से कई सितारे सुपरनोवा धमाकों में एक्सप्लोजन्स में खत्म हो गए। सुपरनोवा की कायनाती किरणें यानी कॉस्मिक रेज के एक माइरियड ने सूरज के हेलियोस्फेयर को डिस्टर्ब किया और जमीन पर बमबारी की। ये कॉस्मिक रेज क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई पैदा करने में मदद करती हैं, जिसने जमीन के गिर्द ज्यादा से ज्यादा बादल पैदा किए। इससे हुआ क्या? इससे उस वक्त तक ज्यादा से ज्यादा बादल प्रोड्यूस होते गए, यहां तक कि जमीन इनके साथ मुकम्मल तौर पर घिर गई। इन घने बादलों के कवर ने सूरज की रोशनी को जमीन की सतह तक पहुंचने से रोक दिया। अब इन घने बादलों की वजह से, चूंकि सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं पहुंच पा रही थी, तो नतीजतन हमारी इस पूरी जमीन पर ग्लेशियर्स के दौर का आगाज हुआ, जिसे स्नोबॉल अर्थ कहा जाता है। इसकी वजह से एक और आलमी इज्तमाई मादूमियत पैदा हुई, जिससे बेशुमार नए पैदा होने वाले जानदार एक बार फिर इस सफ़े हस्ती से मिट गए। लेकिन यहाँ एक बार फिर
कुछ जिंदगी इस बड़ी मुश्किल से भी बच गई। आइस शीट के नीचे छोटी जिंदगी जमीन के बड़े पैमाने पर गर्दश करने वाले निजाम के जरिए महफूज रही। और हमारी जमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इसी तरह निजाम शमसी और वसी कायनात के जरिए एक महफूज सिस्टम में रखी गई है। और जमीन पर यह जिंदगी एक बड़े निजाम का एक हिस्सा है। ये प्रोकैरियोट्स स्नोबॉल अर्थ के इस सख्त सर्द माहौल में सरवाइव कर गए थे। ये ना सिर्फ सरवाइव कर गए थे बल्कि ज़्यादा पेचीदा ज़िंदगी के लिए तैयार हुए और उन्होंने खुद को खुलियों के अंदर एक साथ रहने वाले एंडोसिम्बियोटिक सिस्टम में तब्दील कर लिया। उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट तश्कील दिए जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन से ज़्यादा एनर्जी हासिल कर सकते थे। एक सिंगल प्रोकैरियोट बॉडी हजारों माइटोकॉन्ड्रिया को कैरी कर सकता है। ऑक्सीजन से भरे समुद्री पानी में डीएनए की हिफाजत करने वाली एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वजूद में आई। मजीद जेनेटिक इंफॉर्मेशन को महफूज करने के लिए डीएनए स्टैंडर्ड ज्यादा बढ़ते चले गए। अब जिंदगी ज्यादा मतनू और पेचीदा ऑर्गेनिजम्स में इवॉल्व होने लगी और बिलाखिर यूकेरियोट्स नमूदार हुए। यूकेरियोट्स अपने आप में प्रोकैरियोट्स से 10 लाख गुना बड़े थे। नजरिया में हर चीज लामुहाला आरजे में पड़ जाती है लेकिन यहां अब जिंदगी ज्यादा मुनज्जम और तेजी से पेचीदा हो रही थी। ऐसा लगता है कि जिंदगी अब भी इर्तका जारी रखे हुए है जो आफाकी इंतशार से कतई नजर है।